दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी वैकेंसी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों याद रखिएगा आज लास्ट डेट इस वैकेंसी की है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करने के लिए आज लास्ट डेट है, शाम को 5:30 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और ये है एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनी की, ठीक है, नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है, रिक्रूटमेंट सेल एचआर डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आई थी और इसकी आज लास्ट डेट है। तो प्लीज़ आज ही फॉर्म भर दीजिए, 350 बेडेड जनरल हॉस्पिटल एट न्याली इंक्लूडिंग टू मैनेज द एक्सक्यूशंस ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर के लिए वैकेंसी है और इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली नर्सेज के लिए चलते हैं, 20 वैकेंसी है, जनरल के लिए 10 वैकेंसी है, OBC के लिए 5 वैकेंसी है, SC के लिए 3 और EWS के लिए 2 वैकेंसी है। 23,500 रुपये आपको पे किया जाएगा। BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग इसके अंदर मांगा गया है और मस्ट हैव रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग। मतलब कोई भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सभी एलिजिबल है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है। इसके अलावा नोट 1 के अंदर देख लिया जाए तो वेर एवर देर इज नो रिजर्वेशन फॉर EWS OBC SC ST कैटेगरीज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सच कैटेगरीज कैन अप्लाई अगेंस्ट जनरल वैकेंसी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि EWS OBC और NCL SC ST की कैटेगरीज है, जो कैटेगरीज कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू सच कैटेगरीज कैन अप्लाई अगेंस्ट जनरल वैकेंसी, उन लोगों को जनरल से क्या करना होगा, अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे इनकी वैकेंसी नहीं है। इसके अंदर सही से पढ़िएगा, EWS OBC SC ST की अगर जहाँ पे वैकेंसी नहीं है उन्हें जनरल से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके अलावा नर्स के अंदर डायरेक्टली बात कर लें तो इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो जिसके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन बना हुआ है तो वो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरेंगे, जो OBC में है वो OBC, जनरल से जनरल। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ रिटर्न टेस्ट की बात कर लेता हूँ। रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 100 में से भी 50 मार्क्स आपको लाने होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स रिटर्न टेस्ट के होंगे और प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा उसके 40 मार्क्स होंगे और वेटेज फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस 10। तो ये टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर आपके डिपेंड करेंगे रिटर्न टेस्ट पे, प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा उस पे 40 नंबर आपके डिपेंड करेंगे और वेटेज फॉर एकेडमिक जो आपने आज तक नर्सिंग के अंदर जो भी किया है उसके 10 नंबर डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों नर्सेज के जनरल के अंदर 50% लाने ज़रूरी है, OBC के अंदर 40% लाना ज़रूरी है, SC के 40% और ST के 50%। तो इस हिसाब से ये मार्क्स लाने ज़रूरी है, एक क्राइटेरिया दे रखा है, इस क्राइटेरिया को पार करना बहुत ज़रूरी है वरना आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। जनरल कंडीशन आप पढ़ लेना, ठीक है, नॉर्मल जनरल कंडीशन जो सारे फॉर्म्स के अंदर होती है वही। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये देखिए सर, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन डेट एंड टाइम 12/5/2021, मतलब बहुत पहले ये स्टार्ट हो चुका था फॉर्म और इसकी लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट वो आज ही है 5:30 बजे तक। तो दोस्तों जल्दी से साइबर कैफे या फिर घर के अंदर जाकर या कहीं भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जल्दी से आप जल्दी फॉर्म भर दीजिए। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, डेट भी रिटर्न टेस्ट की 26/5/2021 है, तो बहुत जल्दी इसका पेपर भी जल्दी करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कृपया हमारे वीडियो को कर लें लाइक और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब।